गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिसाई शाजर आए और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि ये जो मेरे फेस पे इतना ग्लो दिख रहा है इसका राज क्या है। अभी फिलहाल मैंने अपने लिप्स पे थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है और थोड़ा सा काजल लगाया है। इसके अलावा मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं लगा है। एज यू गाइस कैन सी मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं लगा है इस वक्त। गाइस मैंने लगाया है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फेशियल जिसका नाम है Aztec Secret Indian Healing Clay. And guys, its MRP is ₹1440. 454 grams का इसका क्वान्टिटी है और गाइज इसमें आप कम से कम 15 बार फेशियल कर सकते हैं। इसमें इतना क्वान्टिटी सफिशियंट होता है तो आई थिंक इट्स वर्थ द प्राइस। प्लस इसका जो क्वालिटी है इससे एकदम फेस पे इंस्टेंट निखार आ जाता है। जैसे आप लोग मेरा फेस देख सकते हैं, शुरू में आपको थोड़ा सा झंझनाहट फेस पे होगा, थोड़ा सा रेडिश हो सकता है फेस, बट उसके बाद थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल आपका फेस सेट हो जाता है और बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाता है। इसमें डायरेक्शन दे रखी है मिक्स क्ले विद इक्वल पार्ट्स ऑफ रॉ एप्पल साइड विनेगर, बट मैंने एप्पल साइड विनेगर नहीं, थोड़ा सा रोज वाटर और नॉर्मल वाटर मिलाया था। किसी कांच के यूटेंसिल में बोल में आप डाल सकते हैं इसको। स्टर द मिक्सचर वेल टू अ स्मूथ पेस्ट और उसको अच्छे से आपको मिलाना है जब तक वो एक स्मूथ पेस्ट नहीं बन जाता। हाँ, बहुत ज्यादा आपको पानी या फिर एप्पल साइड विनेगर या रोज वाटर जो भी आप लिक्विड फॉर्म यूज करोगे बहुत सारा क्वांटिटी नहीं डालना है, इतना ही डालना है कि वो एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। अगर आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप 10-15 मिनट से इसको लगा के रखें और अगर आपका नॉर्मल स्किन है तो आप 15-20 मिनट इसको लगा के रख सकते हैं। बहुत हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर से आपको अपना फेस वॉश करना है। स्लाइट रेडनेस ऑफ द स्किन इज नॉर्मल, जो कि मेरे भी हुआ था रेडनेस, तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया कि ये क्या हो गया, बट थोड़े ही एक दो मिनट के अंदर अंदर वो बिल्कुल ग्लो में बदल गया। 30 मिनट में पूरा का पूरा डिसअपीयर हो जाएगा वो रेडनेस। डीपली जो पोर्स में गंदगी जम जाती है जो कि नॉर्मल फेस वॉश से नहीं निकलती है वो निकाल देता है। डीप पोर क्लेंजिंग वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल फेशियल 1 LB ऑफ क्ले मेक 10-15 फेशियल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 10-15 फेशियल कर सकते हैं, बहुत भारी क्वांटिटी में अगर आप लगाएंगे तब भी। यूज इट वंस पर वीक, एक हफ्ते में आपको एक बार इसको यूज करना है। रोज यूज की गलती मत करिएगा, किसी भी चीज को ज्यादा यूज करना भी सही नहीं है ज्यादा क्वांटिटी में। आपकी स्किन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा आपको लग रहा है कि आपकी स्किन खराब हो चुकी है, तो आप मिनिमम 4 डेज का गैप लेके कर सकते हैं। मेन लव इट टू, और लड़के भी इसको लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां ही लगाएं, लड़कों की स्किन भी तो स्किन ही होती है और बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि लड़के अपनी स्किन का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। अगर वो बहुत देर तक 1-2 घंटे तक फेशियल में अपना टाइम नहीं लगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट चीज है। हेयर इज द प्रोडक्ट और अच्छा खासा क्वांटिटी में आता है, अंदर आप लोग देख सकते हैं मैंने यूज भी किया है, काफी ज्यादा इसमें पाउडर है, पाउडरी फॉर्म में होता है। बहुत ध्यान से इसको ओपन और बंद करिएगा क्योंकि पाउडर गिर भी सकता है, अच्छे से इसको टाइटली बंद कर दीजिए। गाइज मेरे लिए तो पर्सनली ये बहुत अच्छा वर्क किया, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना अच्छा वर्क करेगा। मेरी स्किन तो बिल्कुल निखर सी गई है और अब मुझे 1-2 घंटे का महंगा फेशियल करवाने की जरूरत नहीं है। फेशियल में भी गाइज इतने ही पैसे खर्च जाते हैं बट इसमें हम 10-15 बार फेशियल की तरह इसको यूज कर सकते हैं। और गाइज इसको मैं कुछ महीनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, बिलीव मी बहुत अच्छा वर्क करता है। मेरे लिए तो काफी अच्छा वर्क किया, काफी ज्यादा इम्प्रेसिव रहा मेरे लिए। और जब भी मेरे को लगता है कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, पॉल्यूशन हो गया है, टैनिंग हो गई है, मैं इसको लगाती हूँ और वो बिल्कुल जड़ से निकल जाती है और काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आता है इसका। आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, नॉर्मल ड्राई एंड ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, बट टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वाले इसको थोड़ा कम टाइम तक लगा के रखें और ऑयली और नॉर्मल स्किन वाले इसको 15 मिनट्स तक लगा के रख सकते हैं। सो अगर फिर से आपको कभी फेशियल करने की जरूरत पड़े तो आप घर में 10-15 मिनट को लगाएं और निखार पाएं। बस इसको निकाले मुझे हाफ एन आवर ही हुआ है और आप लोग देख सकते हैं हाफ एन आवर बाद रिजल्ट्स। Stare.
Like this video, and if you like this video, then kindly like, subscribe and share my channel. And also, if you have any queries, then let me know in the comment section below. Thank you guys for watching the whole video till end.